हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंहभूम कॉपर बेल्ट किस प्रकार की चट्टान से बनी होती है जो एक शियर जोन का निर्माण करता है, जिसे सिंहभूम शियर जोन कहा जाता है। ऑप्शन है ए वोल्केनो ऑब्सीडियन आग्नेय चट्टान, ऑप्शन बी नाइस मेटामॉर्फिक चट्टान, ऑप्शन सी प्रोटेरोजोई वोल्केनो अवसादी चट्टान, और ऑप्शन डी है बेसाल्ट मेटामॉर्फिक चट्टान। तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्रोटेरोजोई वोल्केनो अवसादी चट्टान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए देवघर जिला, ऑप्शन बी चतरा जिला, ऑप्शन सी बोकारो जिला, और ऑप्शन डी गढ़वा जिला। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि लावालौंग वन्यजीव अभयारण्य चतरा जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड भारत के समग्र खनिज संसाधनों में से लगभग खाली स्थान का हिस्सा है। ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 30%, ऑप्शन सी 15%, और ऑप्शन डी 55%। तो फ्रेंड, इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 40%। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुरामडी नरवा पहाड़ का संबंध किस खनिज से है। ए बॉक्साइट, बी सोना, सी यूरेनियम, और डी थोरियम। तो इसका आंसर है सी, यानी कि यूरेनियम। अगला क्वेश्चन है, झारखंड में 90% लाल मिट्टी पाई जाती है। इसका मुख्य कारण है ए गोंडवाना युगीन कोयला प्रदेश, ऑप्शन बी आर्कियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना, ऑप्शन सी धारवाड़ क्रम की चट्टानों का पाया जाना, और ऑप्शन डी जुरैसिक काल के चट्टानों से यह निर्मित होती है। तो इसका आंसर है बी आर्कियन क्रम की चट्टानों का पाया जाना। अगला क्वेश्चन है, किस जिले की सीमा ओडिशा को नहीं छूती है। ए सिमडेगा, बी सरायकेला, सी खूंटी, और डी पूर्वी सिंहभूम। इसका आंसर है सी, यानी कि खूंटी। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार के चट्टान क्रम को धात्विक यानी कि मेटेलिक क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। ए आर्कियन, बी धारवाड़, सी गोंडवाना, और डी विंध्य। इसका आंसर है बी, यानी कि धारवाड़ के चट्टानों को मेटलिक क्रम की चट्टान भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कोयला परियोजना को विश्व बैंक से सहायता प्राप्त नहीं हो रही है। ए दामोदर परियोजना, बी अजय कोयल परियोजना, सी राजमहल परियोजना, और डी रजरप्पा परियोजना। इसका आंसर है बी, यानी कि अजय कोयल परियोजना। अगला क्वेश्चन है, रांची में रॉलेट एक्ट एवं जलियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। ए जुएल लकड़ा, बी जयपाल सिंह, सी रघुनाथ शाही, और डी गुलाब तिवारी। इसका आंसर है डी, यानी कि गुलाब तिवारी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ए पलामू जिला कांग्रेस कमेटी का स्थापना 1920 में हुई, बी झारखंड में स्वराज पार्टी के मुख्य नेता कृष्ण बल्लभ सहाय थे, ऑप्शन सी कृष्ण बल्लभ सहाय को 1923 में हजारीबाग से बिहार विधान परिषद के चुनाव में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर है ए, यानी कि पलामू जिला कांग्रेस कमेटी का स्थापना 1920 में हुई। अगला क्वेश्चन है, खारवार आंदोलन के साथ कौन जुड़ा था। ए तिलका मांझी, बी भागीरथी मांझी, सी सीधो कान्हू, और डी बाबा राम नारायण सिंह। इसका आंसर है बी भागीरथी मांझी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
किसने घोषणा की कि अबाऊ राज एटेना महारानी राज तुयु, अर्थात जब मुंडा राज शुरू हो गया तो रानी विक्टोरिया का राज्य समाप्त हो गया है। ऑप्शन है ए तिलका मांझी, बी ताना भगत, सी जतरा भगत और डी बिरसा मुंडा। तो इसका आंसर है डी बिरसा मुंडा। अगला क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा को गिरफ्तार करने के लिए ब्रिटिश बलों ने एक पहाड़ी पर असीमित गोलीबारी की जिसका नाम मुंडा के नाम पर टॉप डे बुरु के रूप में मृतकों का टीला रखा गया। उस पहाड़ी का असल नाम क्या था जहां 1900 ईस्वी में यह घटना हुई थी? ऑप्शन ए टैगोर हिल, ऑप्शन बी डोंबारी हिल, ऑप्शन सी मकामरो हिल और ऑप्शन डी कोल्हुआ हिल। तो इसका आंसर है बी यानी कि डोंबारी हिल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नागवंशी राजवंश की स्थापना नागवंश के आदि पुरुष मणिमुकुट राय द्वारा की गई थी। इसकी राजधानी कहाँ थी? ए चुटिया, बी खोखरा, सी पालकोट और डी सुतियाम्बे। तो फ्रेंड इसका आंसर है डी यानी कि सुतियाम्बे। अगला क्वेश्चन है हमारा, कोल विद्रोह कब हुआ था? ए 1802 से 1804, बी 1821 से 1822, सी 1833 से 1834 और डी 1831 से 1832। तो इसका आंसर है डी 1831 से 1832। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड आंदोलन में गैर आदिवासियों को सम्मिलित करने हेतु 1948 ईस्वी में जस्टिन रिचर्ड ने किस पार्टी का गठन किया? ए यूनाइटेड झारखंड पार्टी, बी झारखंड पार्टी, सी हुल झारखंड पार्टी और डी संथाल हुड पार्टी। तो इसका आंसर है ए यानी कि यूनाइटेड झारखंड पार्टी। अगला क्वेश्चन है, राज्य पुनर्गठन आयोग के समक्ष झारखंड पार्टी ने कितने जिलों को मिलाकर झारखंड राज्य के गठन का प्रस्ताव रखा था? इसका ऑप्शन है ए 22, बी 20, सी 18 और डी 16। आंसर होगा डी 16। अगला क्वेश्चन है, झूमर, पाइका, नटुआ तथा अग्नि सभी प्रकार है? ए गीतों के, बी भाषाओं के, सी नृत्यों के और डी लिपियों के। इसका आंसर है सी यानी कि नृत्यों के। अगला क्वेश्चन है, निम्न कथन की सहायता से पर्व की पहचान करें। गांव का पुजारी मिट्टी के तीन पात्र लेता है और उन्हें ताजे पानी से भरता है। अगले दिन सवेरे वह मिट्टी के तीनों पात्रों को देखता है कि इसमें पानी का स्तर घट गया है। यदि पानी का स्तर घट गया है तो वह अकाल की भविष्यवाणी करता है। यदि पानी का स्तर सामान्य रहता है तो उसे उत्तम वर्षा का संकेत समझा जाता है। इसका ऑप्शन है ए करम, बी सरहुल, सी जावा और डी टुसु। इसका आंसर होगा बी सरहुल। अगला क्वेश्चन है, परब धुमकुड़िया किस जनजाति का युवा गृह है? ए संथाल, बी उरांव, सी मुंडा और डी हो। इस क्वेश्चन का आंसर है बी यानी कि उरांव। अगला क्वेश्चन है, हो जनजाति के लोग अखड़ा यानी कि आकड़ा को क्या कहते हैं? ए बारह चिट्टी, बी स्टे तुड़ तुड़, सी पीड़ और डी साकेड़। इसका आंसर है बी स्टे तुड़ तुड़। अगला क्वेश्चन है, बेदिया स्वयं को क्या कहते हैं? ए चोयन पुत्र, बी होड़ोको, सी वेदवनिस वेदवाणी और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी वेदवनिस वेदवाणी। अगला क्वेश्चन है, बंजारा जनजाति के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए है यह घुमक्कड़ किस्म की जनजाति है, बी है इसका समाज मातृसत्तात्मक होता है, सी है इसमें राय की उपाधि काफ़ी प्रचलित है और ऑप्शन डी है ये चार वर्गों चौहान, पवार, राठौर और उर्वा में विभाजित है। इसका आंसर है
बी इनका समाज मातृ सत्तात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस चित्रकला में पशुपति को सांड की पीठ पर खड़ा चित्रित किया जाता है? ए जादूपटिया, बी सोहराय, सी कोहबर और डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन होगा बी सोहराय। अगला क्वेश्चन है, माघे पर्व किस माह में मनाया जाता है? ए पौष, बी फाल्गुन, सी माघ और डी आषाढ़। इसका आंसर है सी, यानी कि माघे पर्व माघ माह में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में संथाली प्रवेशिका की रचना किसने की? ऑप्शन ए पी ओ बोडिंग, ऑप्शन बी डोमन साहू समीर, ऑप्शन सी कैंपवेल, ऑप्शन डी ई एल पक्षुले। आंसर होगा बी, यानी कि डोमन साहू समीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइबिल का कुडुक में अनुवाद किसने किया? ए रे फड़हॉन, सी डॉक्टर मिखाइल तिग्गा, बी रे वे ग्रिनाड और डी इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर है ए रेफर्ड हॉर्न। झारखंड में कौन से स्थान को भगवान हनुमान का जन्म स्थान भी कहा जाता है? ए अलीनगर, बी आंजन धाम, सी बलरामपुर और डी बादम। आंसर होगा बी आंजन धाम। अगला क्वेश्चन है, सारंडा वन झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में स्थित है? ए पश्चिमी सिंहभूम, बी साहिबगंज, सी देवघर और डी धनबाद। उत्तर होगा ए पश्चिमी सिंहभूम। अगला क्वेश्चन, सम्मेद शिखर कहाँ अवस्थित है? ए पारसनाथ, बी राजमहल, सी नेतरहाट और डी गुमला। इसका आंसर होगा ए पारसनाथ। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री ग्राम सेतु योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 2005, बी 2004, सी 2001 और डी 2003। इसका आंसर है सी 2001। अगला क्वेश्चन है, मनरेगा योजना झारखंड के सभी जिलों में कब लागू हुआ? ए 1 अप्रैल 2010, बी है 2 फरवरी 2006, सी 9 फरवरी 2009 और डी 1 अप्रैल 2008। ये मिस टाइपिंग हो गया है, इस पर गौर न करें। इसका आंसर है डी 1 अप्रैल 2008। हमारा अगला क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर की हिमायत योजना के तर्ज पर भारत सरकार झारखंड में कौन सी योजना चला रही है? ए जीवन आशा योजना, बी रोशनी योजना, सी लाडली लक्ष्मी योजना और डी मुख्यमंत्री कन्यादान योजना। इसका आंसर होगा बी रोशनी योजना। अगला क्वेश्चन है, महेंद्र सिंह धोनी को निम्न में से कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं हुआ है? ए झारखंड रत्न, बी पद्मश्री, सी पद्म भूषण और डी पद्म विभूषण। इसका आंसर है डी पद्म विभूषण। अगला क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में पलामू के किस भोक्ता नेता ने अंग्रेजी सत्ता को हिलाकर रख दिया? ए नीलांबर पीतांबर, सी कृष्णदेव राय, बी मेदिनी राय और डी जमुना सिंह। इसका आंसर है ए नीलांबर पीतांबर। अगला क्वेश्चन है, महेशपुर की रानी सर्वेश्वरी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है इन्होंने पहाड़िया विद्रोह का नेतृत्व किया, ऑप्शन बी इन्होंने अंग्रेज ठेकेदारों द्वारा बिना अनुमति के जंगल काटकर खेत तैयार करने तथा छोटा नागपुर क्षेत्र से संथालों को लाकर बसाने का विरोध किया, ऑप्शन सी है इन्हें भागलपुर जेल में 6 मई 1807 को फांसी दे दी गई और डी है उपर्युक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है डी उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, बुलु इमाम के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है
इनका जीवन जनजातीय सभ्यता, संस्कृति एवं कला की खोज में व्यतीत हुआ। ऑप्शन बी, इन्होंने जनजातीय लोक कला सोहराय एवं कोहबर को अंतर्राष्ट्रीय क्षितिज पर प्रदर्शित कर विश्व स्तरीय पहचान प्रदान की है। ऑप्शन सी, इनकी कला का प्रदर्शन देश के महानगरों के अतिरिक्त विश्व के कई देशों में भी किया गया। और ऑप्शन डी है, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, किस पशु को झारखंड के राज्य पशु का दर्जा दिया गया है? ए एशियाटिक लायन, बी इंडियन एलिफेंट, सी अल्पाइन मस्क डीर और डी इंडियन ग्रे मोंगूज। इसका आंसर है बी इंडियन एलिफेंट। अगला क्वेश्चन है, झारखंड बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत एक अतिरिक्त कमरा बनाने हेतु राज्य निधि से प्रत्येक लाभार्थी को कितनी अतिरिक्त राशि दी जाएगी? ए 20,000 रुपये, बी 50,000 रुपये, सी 1,00,000 रुपये और डी 2,00,000 रुपये। इसका आंसर है बी यानी कि 50,000 रुपये। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से झारखंड में कहाँ जनजातीय विश्वविद्यालय खुलने की अनुमति प्रदान की गई है? ए गोड्डा, बी पश्चिमी सिंहभूम, सी हजारीबाग और डी जमशेदपुर यानी कि पूर्वी सिंहभूम। इस क्वेश्चन का आंसर है डी जमशेदपुर। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ।